Hi guys, Sabki Sir Steam here. This is me, Sahirish. My name is Sadiq. Salima. और आज हम क्या करने वाले हैं? हंसने वाले और हंसाने वाले हैं. हम कैसे हंसाएंगे? हम हंसेंगे. विपुल हंसाएगा. विपुल तो वो हमें देख देख के हंसेंगे. सच में इतना बुरा हंसते हो? लेकिन उनकी मुझे स्टैंड अप कॉमेडी बहुत अच्छी लगती है. इनके जो जोक्स होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, बड़े मजेदार होते हैं. और मैं जैसे पहले भी आई थिंक वीडियो मैंने कहा था कि टीवीएफ ह्यूमरिस्टली और जिनकी वेब सीरीज है बहुत अच्छी है, अगर आप लोगों ने देखी जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी लगी थी. और मैंने पहली बार जब उनको देखा था टीवीएफ ह्यूमरिस्टली और में देखा था, बहुत अच्छा किया था उन्होंने. और वो रियल लाइफ इनके ऊपर ही है, इनकी स्टैंड अप कॉमेडी के ऊपर है. और इनकी काफी रियल होती है, मतलब ऐसा लगता नहीं कि फेक मजाक कर रहे, कॉमेडी कर रहे, क्योंकि हमें पहले भी रिएक्शन दे चुके हैं इवेंट पे, तो इस तरह से पता कभी नहीं चला. और मुझे इनकी खास बात ये अच्छी लगती है कि है ना, ये जो करते हैं ना कभी भी पर्सनल अटैक पे नहीं करते हैं, मतलब एक बंदे के ऊपर नहीं करेंगे, सिचुएशन पे करते हैं. ये इनकी सबसे खास बात है. कोई भी सिचुएशन होगी उसको ले लेंगे, उस पर फनी जोक्स बनाने शुरू करेंगे. ये मुझे चीज अच्छी लगती है. ऐसी होना चाहिए, वरना तो आधे से ज्यादा लोगों के ऊपर कॉमेडियां बना रहे होते हैं. सीरियसली दूसरे काम पे ज्यादा वो कर रहे होते हैं. yes, हाँ. स्टार्ट करते हैं. हम भी यही करते हैं. मैं तो फ्रिज में कुछ मीठा खाने जा रहा था.
लेकिन सोचने की बात है, वैसे बेबीज के साथ ऐसा होता है कि मतलब बेबीज के पर्सपेक्टिव से कभी कौन सोचता है, हम बेबीज को ऐसा सोचते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कुछ भी, मतलब उनके बारे में सोचता हूँ और उसी को मजाक बना रहा हूँ, और उससे मजाक से देखे ना बहुत अलग चीज़ हो जाती है, और जिस तरह से प्रेजेंट किया बहुत डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है, और बहुत अच्छा भी लगा हम लोगों को यार कि क्या मैच किया है लोगों ने। हाँ, वो बेचारे कहाँ जा रहा था, उठा के उनको कहीं और लेके कहीं और उनका डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। बट ऑन अ सीरियस नोट, पता है बेबीज जितने भी छोटे हो ना, इवन इन्फेंट भी हो, महीने दो महीने के, वो एक चीज नोट कर रहे होते हैं, उनके अंदर रिकॉर्डिंग चल रही होती है, तो हम ऐसा सोचते हैं उसको तो कुछ पता ही नहीं, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ करके आ रहा होता है, अगर उस टाइम नहीं आता तो आगे जाके उसको कुछ ना कुछ मतलब यू नो उसके माइंड में कुछ पिक्चर बन रही होती है। मतलब क्यों होता है, जो हम हरकतें कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं, कोई ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं, हमें हम बोलते बच्चा है क्या समझेगा, पर वो कैच कर रहा होता है। जैसे कोई हम लोगों ने अभी जैसे क्लिकिंग सिखाया था, वो क्लिक करता है वो यूं करके, हम बोलते कि यार ये क्या हो गया इसको। मेरे घर में खुद ही वो जो छोटी है ना, अभी 2 साल की अभी हो जाएगी अगस्त में, यार वो जब 1 की थी ना, 1.5, तब से मोबाइल यूज करिए, खुद ही वो पता है कार्टून ढूंढ रही होती है, आई मीन वो हमें देख देख के वो इस तरह मोबाइल चलाना सीख गई है, और उसको पता भी होता है कि लाइक जब वो मोबाइल उठाती है ना तो देखती पासवर्ड लगा है सबके मोबाइल में, बोलती खोल दो ना खोल दो ना खोल दो ना। और नहीं, आप इमेजिन करो, मैं छोटे बच्चे जो होते हैं वो साल डेढ़ साल तक चलना नहीं सीखते, लेकिन 5-6 महीने की उम्र में उनको स्विमिंग करना आ जाती है। मैंने देखा है बाकायदा वीडियोस में, इवन मैं कभी कभार जब जाता भी था देखने, तो वो स्विमिंग में बाकायदा वो 6-7 साल के टॉडलर्स कर रहे होते हैं, मजे से स्विम कर रहे होते हैं विदाउट एनी मच हेल्प, थोड़ी उसको असिस्टेंट चाहिए होती है, बट वो कर लेते हैं स्विम। तो अब इमेजिन करो भाई कि बच्चा जो होता है ना, उसका मेंटली दिमाग वो होता है शार्प होता है, बहुत शार्प होता है, हम उसको हल्का ले लेते हैं। और आज वो कहते हैं ना कि बचपन से बच्चों को लैंग्वेज भी सिखाओ ना, तो वो 5 अच्छे खासे लैंग्वेजेस वो कैच कर सकता है। और ये बाकायदा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट यानी ईसीडी पे रिसर्च भी चल रही है कि भाई शुरू के 5 साल इतने यू नो क्रिटिकल होते हैं कि उसकी पूरी लाइफ डिटरमाइन करते हैं। मतलब मैं खुद भी टीचर हूँ, तो मुझे पता है कि जो हम एनवायरमेंट रखते हैं बच्चों का, वो बच्चा एनवायरमेंट से कैच कर रहा होता है, अच्छा ये है मैंने यहाँ देखा है इसको इस तरह बोलते हैं, तो काफी चीजें हम देखते हैं बच्चों में काफी इम्प्रूव आता है, और इससे आगे चलकर अपना माइंड शार्प कर रहा होता है बच्चा, और वो थ्रू आउट लाइफ चलता है। यस,
हम लोगों को वीडियो बहुत मजा आया और हम चाहते हैं कि और भी वैसे रिएक्शन में तो हमें रिक्वेस्ट दो ताकि हम करें और हम हंसे, हमें हंसना है. तो गाइस इसे हम हमारा रिएक्शन देखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और हमारा यूं चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.